नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, देश में किसी को लाल बत्ती के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर जज भी लाल बत्ती वाली गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कैबिनेट ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है और मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया जाएगा। इस फैसले का मतलब यह है कि 1 मई से लाल बत्ती का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस जैसे एम्बुलेंस, मेडिकल वैन, फायर सर्विस के लिए ही लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी रविंद्र, इस वक्त हमारे साथ है। रविंद्र, ये तो बहुत बड़ा कदम है कि वीआईपी जो कल्चर है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी, लाल बत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं होगी। क्या डिटेल्स हैं आपके पास, कब से लागू किया जाएगा इसको? देखिए मेहमान साहब जी, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के आप व्हीकल में कभी लाल बत्ती दिखाई नहीं देता है। एक प्रोटोकॉल होता है कि राष्ट्रपति को इजाजत होती है, प्रधानमंत्री की गाड़ी में कोई लाल बत्ती नहीं लगती है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है कि उन लाल बत्ती प्रधानमंत्री को एग्जेम्प्ट है, उनको लगा सकते हैं। इस तरह जजेज की, हालांकि जजेज की गाड़ी में रहती है लाल बत्ती, नीली बत्ती रहती है उन लोगों के जजेज में, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है एक एग्जेम्प्शन लगभग सबको खत्म करने का फैसला लिया गया। हालांकि पीएमओ से जो हमें बात हो रही है, कैबिनेट से जो मंत्रियों से बात हुई है, बोले कि एक अभी फाइनल थिन लाइन अभी बचा, कोशिश की जा रही है। 2 बजे अरुण जेटली की, वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन हमें जो बताया गया है और जो जानकारी दी गई है कि किसी को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा, सभी को इस लाल बत्ती की अब किसी को इजाजत नहीं होगी अभी तक की जानकारी के अनुसार। यानी जो एक वीआईपी कल्चर थे जो देश में, कि आप राज्यों में देखिए सबसे इसका कहीं ना कहीं मिसयूज होता था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हुआ है। और ये जो वीआईपी कल्चर था, लोगों से, आम आदमी से जो नेता होते हैं चाहे बड़े अधिकारी होते हैं, ये अलग हैं। इस कल्चर को खत्म करने का फैसला एक तरह से देखा जाए तो बड़ा फैसला है। इसको अभी 2 बजे पूरी तरह से क्लियर कर देंगे अरुण जेटली की क्या क्या है इसमें, और इसको एग्जेम्प्ट, इसको पूरे तरह से यूज कर, इस एक्ट को पूरी तरह से लागू करने में जब मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन होगा, मानसून सत्र में ही हो सकता है, तो उसके बाद ही ये लागू होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये फैसला कैबिनेट का आज बड़ा फैसला है, जिसकी घोषणा खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली थोड़ी देर बाद करेंगे। जी रविंद्र, लेकिन ये जो लाल बत्ती कल्चर को खत्म करने की बात दरअसल पहले भी आती रही है रविंद्र, और बार बार हवाला दिया जाता है सिक्योरिटी इश्यूज का, फिर कुछ जो मंत्री हैं वो इसे प्रेस्टीज इशू भी बना लेते हैं। आपको लगता है कि इसमें कहीं लूप होल्स ना रह जाएं और पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए अब सख्त नियम बनाए जाएंगे? देखिए एक बात आपने भी गौर किया होगा, सबने देखा होगा कि लाल बत्ती कल्चर पर अगर कोई फैसला आता था तो वो कोर्ट द्वारा आता था। सियासत और मंत्री और सरकार ये बातें कहते थे लेकिन इसको लागू नहीं कर पाया अभी किस कभी भी। कोर्ट हमेशा फैसला देता था कि अमुक लोग ही इसको इस्तेमाल करें, अमुक लोग नहीं कर सकते हैं, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में, कई बार ऐसे फैसले आए हैं। लेकिन ये पहली बार अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये फैसला आया है, एग्जीक्यूटिव की तरफ ये डिसीजन लिया है, कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि लाल बत्ती कल्चर, वीआईपी कल्चर को हमें खत्म करना है। इसमें किसी को मुरव्वत नहीं होगी, सबको एक समान माना जाएगा, एक बड़ा फैसला। देखिए राष्ट्रपति और चाहे प्रधानमंत्री हो, ये सिक्योरिटी में चलते हैं, इनके लिए पहले ही से हर जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन होता है। इनकी गाड़ियों पर लाल बत्ती नहीं होती है, जो जो आगे जो गाड़ी चलती है वो केवल सुरक्षा कारण से रोड क्लियरेंस के लिए, बाकी चीजों के लिए एक प्रोटोकॉल के तहत गाड़ी लगती है। लेकिन इन जो जिस गाड़ी में राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं उसमें कोई भी बत्ती लगी नहीं होती है, आपने देखा होगा, सबने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला अगर देखा जाए सरकार का है, सिर्फ और सिर्फ वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए। और एक बस देखा जाए, पहली बार अगर कहा जाए तो एग्जीक्यूटिव ने यह फैसला लिया, अभी तक जजेज लेते थे, कोर्ट लिया था। जी रविंद्र, बिल्कुल बहुत बड़ा कदम है ये, और हमें यहाँ पर इंतजार रहेगा डिटेल्स का। और 2 बजे जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरुण जेटली, और तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और कब से इंप्लीमेंट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए।